नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं अजय भारत, मैं हूं तनुप्रिया। जल जीवन हरियाली यात्रा को लेकर अब विपक्ष भी नीतीश कुमार पर निशाना साधने लगा है। रालोद की जल जीवन हरियाली यात्रा का पांचवा चरण चल रहा है और अब तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि सरकार यानी कि मुख्यमंत्री बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य को मुद्दा न बनाते हुए जल जीवन हरियाली को देख रहे हैं और सरकारी खजाने की जो तमाम रकम है उसको बर्बाद कर रहे हैं, काला धन निकालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि चुनावी वर्ष होने के कारण ये तमाम कार्य की जा रही हैं। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर लिखा है कि सरकार बढ़ती बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रही है और जल जीवन हरियाली यात्रा पर सरकारी खजाने को बर्बाद कर रही है। रालोद की जल जीवन हरियाली यात्रा पर 24,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी न देकर बिहार की बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य और ध्वस्त कानून व्यवस्था ठीक नहीं करके माननीय मुख्यमंत्री के चुनावी वर्ष में 24,500 करोड़ की जल जीवन हरियाली योजना के नाम पर सरकारी खजाना लूटने का नया काला अध्याय शुरू किया है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी वर्ष में जेडीयू और बीजेपी कार्यकर्ताओं के जेबें भरने के लिए भी ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही साथ कई और भी सवाल उन्होंने उठाए। उन्होंने कहा है कि 24,500 करोड़ रुपए से बिहार जैसे राज्य में कई स्कूलों की बदतर स्थिति में सुधार किया जा सकता है, हालांकि लाखों युवाओं को भी रोजगार दिया जा सकता है, राज्य के सभी अस्पतालों में लोगों को इसकी भी सुविधा दी जा सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुविधाओं जो मिलनी चाहिए बिहार की जनता को, वो पर्याप्त सुविधा और सुचारू रूप से दी जा सकती थी इतने खर्च में। कई विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जा सकती थी और हर साल जिस तरीके से प्रदेश में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, साथ ही साथ लोगों को अस्पताल की दिक्कत हो जाती है, विश्वविद्यालय की पर्याप्त मात्रा में यहाँ है नहीं, जिसकी वजह से छात्रों को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए भी पर्याप्त अस्पताल न होने के कारण इलाज के लिए लोग बाहर चले जाते हैं, इसकी भी सुविधा सरकार दे सकती थी। साथ ही साथ लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं, पलायन पीड़ा झेलने वाले बिहार में रोजगार सृजन और उपाय किए जा सकते थे। साथ ही साथ निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए जरूरी आधारभूत संरचना भी खड़ी की जा सकती थी, पर मुख्यमंत्री जी को जन सरोकार की जरूरतों से कोई मतलब नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बस अपनी कुर्सी, अपनी राजनीति और चुनावों की चिंता है, जब लोगों का जीवन ही खुशहाल नहीं रहेगा तो कैसे हरियाली आएगी। और मैं चुनौती देता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि तथाकथित जल जीवन हरियाली योजना में हो रहे भ्रष्टाचार पर मुझसे बहस कर मुझे गलत साबित करें। हालांकि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती भी दे डाली है, जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी खजाने को खत्म किया जा रहा है और जो तमाम सरकारी खजाने के पैसे हैं उन्हें इस योजना में लगा करके आने वाले साल में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में, उस पर खर्च करने के लिए तमाम जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जेब भरे जा रहे हैं। तो कह सकते हैं तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है। आगे की भी पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, आप देखते रहिए अजय भारत।